पानसेमल की ग्राम मल्फा की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कूल आने के लिए प्रतिदिन बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोमीटर घुटने तक गड्ढों व कीचड़ से गुजरकर विद्यालय जाना पड़ता है। कभी कभी तो छात्र छात्राओं को बारिश के चलते घर वापस लौटना पड़ता। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो हमें भी कुछ दूरी पैदल तय करना पड़ा। विद्यालय पहुंचे तो वहां के शिक्षक भी समस्या को बताने लगे। छात्र छात्राओं से पूछा तो वो भी वही समस्या बताने से पीछे हटे नहीं हैं। प्राचार्य ने बताया कि हमने स्थानीय प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या जहां की तहां बनी है। कोई भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा। विद्यालय की छुट्टी के बाद छात्र छात्राएं गुजरते दिखे तो सरकार की योजनाओं की पोल खुलती नजर आई। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। नाम आपका? मंजू चिन्हार पाटिल। कौन सी क्लास में आप? 12। क्या रोड खराब है आपके यहाँ का? हाँ, बहुत खराब है। हमको बहुत दिक्कत होती आने में। कितने समय से खराब है? वो तो बहुत समय से, 5-6 साल हो गए, तब ज्यादा। अच्छा। हाँ, क्या दिक्कत आती है बरसात में? बहुत काली मिट्टी भी, और हम जब बरसात होती ना तो हमारे पैर घुटने तक फंस जाते हैं, और उस दिन हमें इसको वापस जाना पड़ता है। कपड़े भी बहुत खराब हो जाते हैं। नाम बेटा आपका? प्रियंका संदीप साहब। कौन सी क्लास में आप? 11th। क्या रोड की समस्या है आपके यहाँ? हाँ, बहुत रोड की समस्या है। कब से ये समस्या? ये 5-6 साल से। क्या दिक्कत आती है आपको? बहुत दिक्कत आती है, वहाँ पे सब काली मिट्टी है और हम फिसल जाते हैं, इसलिए हमारे ना कपड़े खराब हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, स्कूल में नहीं पहुँच पाते, इसलिए हमें घर लौटना पड़ता है वापस। अच्छा, किसी को बताया था आपने स्कूल में? हाँ, बताया था, शिकायत हमने गांव के सरपंच को, सबको बोला था उन्होंने, और मिट्टी डाल दी, उसके कारण हम ज़्यादा गिरते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी लक्ष्मण माली। कौन सी क्लास में आप? 11th। क्या समस्या है तुम लोगों की? सर, सड़क की समस्या है, यहाँ पे सब गीला हो जाता है, पानी में पानी आता है ना तो सब बैग भी गीला होता है, किताबें भी गीला हो जाती हैं। क्या रोड पे गिर जाते हो तुम लोग? यस सर, कई बार तो हम पैर मतलब कपड़े खराब हो जाते हैं हमारे। अच्छा, कितने समय से हो रहा है ये? 5-6 साल तक हो रहा है। अच्छा, क्या किन लोगों को बताया था आपने? यस सर, बताया था, सरपंच सचिव सबको बताया था। क्या बोलते हो? बनाएंगे बोले, पर अभी तक बनाया नहीं सर, सिर्फ मिट्टी डाल दी, मिट्टी से और ज्यादा गीले हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। कितनी कीचड़ हो जाती है सर? बहुत हो जाती है, सब पैर तक आ जाते हैं। क्या बोलते तुम? सर लोगों को बताया था? सर लोगों को बताया था, पर वो पढ़ाएंगे या ये करेंगे सर? क्या नाम है आपका? सुनीता भोसले। क्या शिक्षक हो आप? जी। तो रोड खराब है आपके यहाँ का, स्कूल में आने के लिए दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है, सब बरसात के कारण तो पूरा रोड खराब हो गया है, और हमको भी आने में परेशानी होती है, हम पैदल आते हैं, बच्चे को भी बहुत कठिनाई आती, बच्चे भी पैदल आते। अच्छा, कितने समय से खराब है? 5 साल हो गए यहाँ, 5 साल से ना तो रोड बना है, उस समय से हम परेशानी उठा रहे हैं। क्या बोलना पड़ता है बच्चों का? बच्चों का ये बोलना पड़ता है और हमारा भी ये बोलना पड़ता है कि रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि बच्चे समय पर आ सके और हम भी सही समय पे आके पढ़ा सके बच्चों को। आपका? तुषार रविंद्र पदमोर। कौन से गांव रहते हो आप? मोरतलाई। कौन सी क्लास में हो? 11th। क्या समस्या है तुम लोगों की? नहीं यार, ये हमें यहाँ पे, ये रास्ते की समस्या है, यहाँ पे बहुत कीचड़ है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। हम तो आ जाते हैं, लेकिन ये लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है, गिर जाते हैं, और अभी परीक्षा का समय चल रहा है तो आने के लिए समय हो जाता है, परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हम, और इसके कारण हम आ नहीं सकते यहाँ पे स्कूल में। बहुत कीचड़ है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। सर से बात की थी, पर सर क्या क्या करेंगे, वो हमें पढ़ाएंगे या रास्ते बनाएंगे? हमने बहुत लोगों को बोला, सरपंच को भी बोला, सचिव को भी बोला, और उन्होंने हमारी बात को नहीं मानने नहीं किया है अभी। नहीं, क्या नाम है आपका? मैं आलोक सिसोदिया, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उमावी मल्फा। सर, बच्चों की शिकायत है कि रोड नहीं है, रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर लगभग 300 बच्चे विद्यार्थी अध्ययनरत है, प्रतिदिन बच्चे बाहर से आते हैं जिनको आने में यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने समय से इसी शिकायत है सर? ये कम से कम 1 महीने से शिकायत चल रही है, और विगत 7 वर्ष से रोड बना नहीं है सर। सर, ये कई PHE ने काम करा था कि दिक्कतों का सामना, के क्या कारण हुआ है? PHE विभाग द्वारा जो नल जल परियोजना है उसमें पाइपलाइन डाली गई थी, उसके बाद में जो मिट्टी का भराव है
उसे भरा नहीं गया और समतलीकरण नहीं किया गया, इसलिए ज़्यादा परेशानियों का सामना आ रहा है। आपने किसी अधिकारी को बताया था, अपने वरिष्ठ अधिकारी को? मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय बीओ साहब, तहसीलदार साहब और जनपद सीओ साहब को इस बारे में अवगत करवाया था। उन्होंने मुझे 2 दिन में समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया था। आज कितने दिन हो चुके हैं सर? एक सप्ताह लगभग गुजर चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है सर। क्या शिक्षकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? प्रतिदिन शिक्षक परेशान होते हैं सर, और कम से कम 1.5 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।